श्रीनगर श्रीनगर गंसर शालटेंग मोड़ तोतान सत किलोमीटर बाकी तत पे खीर भवानी तक सत किलोमीटर खास कर कि खीर भवानी और टूरिस्ट इन वाल तुम हेकन ये टूरिस्ट जगह मिलित अपार गुजरे अस बची अख रात अस पे पंचह किलो तरह किलोमीटर गल कि अड़ू किलोमीटर गुन अम पुल डी सी साहब को गुजारिश करता है हमारा जो ये पुल है इसका टेस्ट भी हुआ सब कुछ हुआ इस पुल का काम स्टार्ट होना चाहिए। गवर्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इस पुल के बारे में हमारे मसले को हल करो हमारे मसले को हल करो। जिला गांधरबल के पारीबल शालबुग इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुकामी लोग आप देख रहे हैं आज सुबह से ही कहीं ना कहीं आरएनबी डिपार्टमेंट के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ के मुकामी लोग जो है वो आरएनबी से नाराज है। आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोग सुबह से ही नाराबाजी का इजहार कर रहे हैं और आज सुबह से ही सड़कों पर निकले हैं। आज सुबह से ही इनकी जानिब से हमारे पास फोन कॉल मैसेज हो चुकी हैं। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे मुकामी लोग मौजूद हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किन मुश्किलों से इनको यहाँ पे सफर करना पड़ता है, आज क्यों मजबूर हुए मीडिया को यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ और इस गाँव का नाम भी बता दीजिएगा और हमें बताया कि किन मुश्किलों से आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है। हम शालाबुग घाट पे है अभी मौजूद है पारीबल में। पिछले 10 सालों से हमने मांग किया इस पुल का, आखिर एक बार हमारे मांग पूरा हुआ, इस पुल का टेंडर भी निकल गया आज तक, बल्कि कुछ ठेकेदारों ने भी यहाँ मिठाई भी बांटा है, हमारे लोगों को खुशी इजहार हुआ, मगर बदकिस्मती हमारी है पानी भी कम हुआ। अभी पिछले ये 6 महीने से पानी भी कम हुआ, इस पुल का काम नहीं लगा। ये वजह जानने के लिए हम इसी इंतजार में है ये काम क्यों रुका। इस जमन में आपने ठेकेदार के साथ बात की या जो आरएनबी के एग्जिन है उनके साथ बात की? जब उनके साथ बात किया वो बोलता है काम लग जाएगा, ये टेंडर तो हुआ ही है। तो हम बोलते हैं अगर टेंडर हुआ काम क्यों नहीं लगा। दो बार इसका टेस्ट भी हुआ, दो बार हमारा टेस्ट भी हुआ। इस पुल से फायदा है गांधरबल को, श्रीनगर खाली 8 किलोमीटर दूर है, जब भी रास्ता 1 ही किलोमीटर है, श्रीनगर से कट होता है हमारा 1 किलोमीटर। हमारा बेटी उस पार है, इस पुल के पार है, इधर भी है हमारा बेटी, श्रीनगर की बेटी यहाँ है। शॉर्टकट सोनामर्ग खीर भवानी खाली 2 किलोमीटर श्रीनगर से रास्ता है, वहाँ से हमारा जाना है 22 किलोमीटर, मगर यहाँ से हमारा जाना है 6 किलोमीटर। अब अगर ये ब्रिज यहाँ पे तामीर होता है ये ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है, बडगाम बारामूला खाली 2 ही किलोमीटर का रास्ता है, वो भी है बीच में जंगलात का एक रास्ता है, 1 किलोमीटर है वो, बस इतना ही है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, मगर हम डीसी साहब को गुजारिश करता है हमारा जो ये पुल है इसका टेस्ट भी हुआ सब कुछ हुआ, इस पुल का काम स्टार्ट होना चाहिए। गवर्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इस पुल के बारे में। अलॉटमेंट का मसला है? अलॉटमेंट हो गया 1-2 साल से पहले, 2 साल पहले इसका अलॉटमेंट हुआ। तो क्या शुभ श्रीनगर से 1 किलोमीटर वनकस दूर ये फॉरेस्ट लैंड मंज बाकी तमाम चीज फारो ठेकेदार साहबन बगर मिठाई विठाई तमाम चीज गई ये पूरे, मगर तथा पे वो कहें अस समझ अत क्या गो अन तिमन सलबत तम अच्छे फारिश लैंड अत त्रो निशान तमो तम सह मशीन तलान अत यपर तमो रंग तथान पत् तम निशान तीन अस तक कहें तम निशान अत रोडस त्रो ठेकेदार साहब वन अत रोड मसल अत गो चेंज गो लैंड और यो त्रा तो बाकी मसल यो अस गो जल्द जल्द गवर्नर साहबस डी सी साहबस गुजारिश कर यह गोस अस्त गुश अको किलोमीटर श्रीनगर सालबुग तो श्रीनगर बार्डर अको बार्डर अको बडगोम गांधरबल श्रीनगर यह कुल यह अको क्या खीर भवानी अपार गुजरे अस बची अख रात अस पे पंचह किलो तरह किलोमीटर गल कि अड़ू किलोमीटर गुन अम पुल कन यो मसल अड़ू किलोमीटर 1 किलोमीटर खाली श्रीनगर सीनगर तो यह अको किलोमीटर ये पे वनस ये ना पारीबल घाट शालाबुग मसल कदल अपर वह लिख 1 किलोमीटर यप श्रीनगर बेच पे बांडीपुर डिस्ट्रिक बडगाम श्रीनगर सोपोर गल अगर अत बची अख मज अपार बेटी अस पे गाँव ये 40 किलोमीटर दूर अच्छा यप अगर यप गो अच्छा ना नजदीक 1 किलोमीटर
یپر گھن پائدل یپر گھتے اچھا امہ کن مجبوری اس گھس کدل گھن جلدی یتھ ڈی سی صبح ونان اس گھس جلدی لگن دسی اس وت زوری اس پیاران اس ٹیسٹ یت اوتر سہ درو ٹھیک دس لگ دسی اس لجن ونکس آ کم نظر محترم خالی ایک کلو میٹر کا سفر ہے یہ برج اگر یہاں پہ تعمیر ہوتا ہے گاندربل کی عوام کو کیا بلکہ سری نگر کے ساتھ ساتھ بڈگام اور بانڈی پورہ کے لوگوں کو بھی راحت کی سانس مل سکتی ہے گاندربل میں آئے روز ہمیں ٹریفک جام کا دباؤ رہتا ہے جس کی وجہ سے آئے روز مقامی لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن اگر یہ برج یہاں پہ تعمیر ہوتا ہے خالی ایک کلو میٹر کا سفر ہے یہ برج گاندربل سے گاندربل کے لوگوں کو سری نگر سے کنیکٹ کرتا ہے کچھ کنیکٹ گھن یہ گھن سری نگر سری نگر گھنسر شال ٹینگ موڑ توتانس ات ست کلو میٹر باقی تب پہ کھیر بوانی تین ست کلو میٹر خاص کر کہ کھیر بوانی اور ٹورسٹ ان وول تم ہیں یپ بنہ ٹورسٹ جگہ تھی ملت سونمرگ بالکل یہ سونمرگ تین یہ وت ٹورسٹ اگر کھیر بوانی تک مل اگر یپر ان سینٹر یونیورسٹی تو اس لگے ست کلو میٹر سری نگر ٹو یہاں وہاں سے پچیس کلو میٹر ہے وہاں سے پچیس کلو میٹر ہے سے یہاں سے سات کلو میٹر ہے اسی لیے ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے شکریہ